हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 11 इंडियन म्यूजिक। उसमें हमने एक्टिविटी 3 तक देखा था, है ना। उसमें एक पैसेज था लता मंगेशकर का, वो हमने पढ़ा। लेट्स मूव पेज नंबर 80, एक्टिविटी नंबर 4, स्टडी द इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रामोफोन रिकॉर्ड। द फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड वॉज मेड इन कोलकाता इन द ईयर 1898। फर्स्ट ग्रामोफोन, वो एक इंस्ट्रूमेंट है ग्रामोफोन, वो फर्स्ट रिकॉर्ड वॉज मेड इन कोलकाता। फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। सो डू अंडरलाइन, द फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड वॉज मेड इन कोलकाता इन द ईयर 1898। ओके, तो फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। और कौन से ईयर में? 1898 को। थॉमस एडिसन इन्वेंटेड अ साउंड मशीन विच वॉज कॉल्ड फोनोग्राफ इन 1877। थॉमस एडिसन इज अ साइंटिस्ट, उन्होंने एक साउंड मशीन इन्वेंटेड किया, साउंड मशीन की शोध की, और उनको क्या नाम दिया उस मशीन को? फोनोग्राफ। थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफ की शोध की और उनको क्या नाम दिया? फोनोग्राफ। कौन से साल में? 1877 को। हेमेंद्र मोहन बोस ऑफ कोलकाता इम्पोर्टेड द फोनोग्राफ मशीन एंड मेड द ग्रामोफोन रिकॉर्ड। और हेमेंद्र मोहन नाम के मैन ने, उन्होंने क्या किया? हेमेंद्र मोहन बोस ने उस मशीन को कोलकाता में इम्पोर्ट किया। क्या किया? कोलकाता में इम्पोर्ट किया और फोनोग्राफ मशीन को फिर उन्होंने उस मशीन से ग्रामोफोन रिकॉर्ड किया। द रिकॉर्ड्स वेर पॉपुलरली नोन एज बोस रिकॉर्ड। और जो रिकॉर्ड किया उसने क्या नाम दिया? बोस रिकॉर्ड्स। नाउ मूव द सेकेंड पैसेज, फर्स्ट म्यूजिक स्कूल। द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल इन इंडिया वॉज गांधर्व महाविद्यालय इन लाहौर विच वॉज देन अ पार्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट म्यूजिक स्कूल कहाँ पे बना था? डू अंडरलाइन, द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल इन इंडिया वॉज गांधर्व महाविद्यालय इन लाहौर। लाहौर में फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट म्यूजिक स्कूल इंडिया में कौन सी सिटी में हुआ था? लाहौर में। और गंधर्व महाविद्यालय, स्कूल का नाम क्या था? गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में, और वो एक इंडिया का पार्ट था। इट वॉज सेटअप बाय पंडित पालुस्कर हु वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र। और फिर उस स्कूल को किसने सेटअप किया? पंडित पालुस्कर ने। गंधर्व महाविद्यालय को पंडित पालुस्कर ने सेटअप किया और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ओके, नाउ मूव द एक्टिविटी नंबर 5, स्टडी द इंफॉर्मेशन। फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव पद्म भूषण अवार्ड। फर्स्ट म्यूजिशियन है जिसने पद्म भूषण अवार्ड मिला, वो कौन है? द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव पद्म भूषण वॉज M.S. सुब्बुलक्ष्मी। अंडरलाइन, द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव पद्म भूषण वॉज M.S. सुब्बुलक्ष्मी को फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट क्या मिला? पद्म भूषण अवार्ड मिला। सी रिसीव्ड पद्म भूषण अवार्ड इन द ईयर 1954। और उन्होंने ये पद्म भूषण अवार्ड कौन से ईयर में रिसीव किया, कौन से ईयर में मिला था? 1954 में। सी वॉज पॉपुलरली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया।
और वो इफ अवार्ड के मिलने के बाद वो पॉपुलर हो गई और उनको कौन सा टाइटल मिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. डू अंडरलाइन, सी वॉज पॉपुलरली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल मिला. सी वॉज बॉर्न ऑन सेप्टेम्बर 16, 1916 इन द टेम्पल सिटी मदुराई. और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मदुराई में, द सिटी ऑफ तमिल. बॉर्न सेप्टेम्बर 16, 1916 को हुआ था. ओके, नाउ से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स दिए हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना है इस बॉक्स में. फर्स्ट वन इज एम एस सुब्बुलक्ष्मी स्टार्टेड द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल इन इंडिया. इंडिया का फर्स्ट म्यूजिक स्कूल एम एस सुब्बुलक्ष्मी ने स्टार्ट किया था. ट्रू और फॉल्स, किसने किया था फर्स्ट म्यूजिक स्कूल, हमने देखा आगे, तो पंडित पालुष्कर ने, है ना. तो यहां पर क्या आएगा, फॉल्स. सेकेंड वन इज सुब्बुलक्ष्मी वॉज कॉल्ड द कॉयल. सुब्बुलक्ष्मी को कॉयल का टाइटल मिला था, नो, कौन सा टाइटल मिला था, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. तो दिस इज अ फॉल्स. थर्ड वन इज द फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड ऑफ इंडिया वॉज मेड इन मुंबई. फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड इंडिया में, फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड मुंबई में हुआ था, नहीं, कहाँ पे हुआ था, हमने अंडरलाइन की है, कोलकाता में, है ना. सो अगेन दिस इज अ फॉल्स. नाउ लास्ट वन इज फोर गंधर्व महाविद्यालय वॉज सेट अप बाय पंडित पालुष्कर. गंधर्व महाविद्यालय किसने सेटअप किया था, पंडित पालुष्कर ने सेटअप किया था. ट्रू और फॉल्स, यस दिस इज अ ट्रू. गंधर्व महाविद्यालय वॉज सेट अप बाय पंडित पालुष्कर. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी 5 कंप्लीट होती है. सो नेक्स्ट एक्टिविटी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ये सब एक्टिविटीज आपको अपने टेक्स्ट बुक में राइट करनी है और नोटबुक में ऑल्सो. ओके, थैंक यू.